बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी, जवेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं 3+ उर्दू का कायदा अलिफ बे जी। डियर टीचर्स, आज हम बच्चों को से समर के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हम बच्चों में 4 महारतें डिवेलप कर सकते हैं। जैसा कि हम बच्चे को सिखाएंगे से सुना कैसे जा सकता है, बोला कैसे जा सकता है, पढ़ा कैसे जा सकता है और लिखा कैसे जा सकता है। डियर टीचर्स, हम इस एक्टिविटी को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जिसको आपने क्लास में ज़रूर करवाना है, ताकि बच्चे से सुनना भी सीख जाएं, बोलना भी सीख जाएं, पढ़ना भी सीख जाएं और लिखना भी सीख जाएं। सबसे पहले सुनने की महारत बच्चे में कैसे डिवेलप कर सकते हैं, इसके लिए आप क्लास में बच्चों की किताबों को बंद करवाएंगे और क्लास में एक राउंड लेंगे और साथ में आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में बच्चों से इस तरह से कुछ गुफ्तगू करेंगे। स स समर, हाय मेरी कमर। स स समर, हाय मेरी कमर। स स समर, हाय मेरी कमर। ये बच्चे रिपीट करेंगे, जब वो सुन चुके होंगे तो उसको रिपीट करेंगे। अब बच्चों को आप अपने साथ मिलाएंगे और बच्चों को जो आपने बच्चों के लिए एक छोटा सा सॉन्ग तैयार किया है, वो बच्चों को भी साथ में मिलाकर आप पढ़ेंगे, जिससे बच्चों की स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। और बच्चे आपके साथ क्या कौन सा सॉन्ग गाएंगे? स स समर, हाय मेरी कमर। स स समर, हाय मेरी कमर। जब बच्चे इस तरह से आपके साथ रिपीट कर चुके होंगे तो बच्चों के दिल में एक तजस्सुस आएगा, समर होता क्या है। अब बच्चों से कहें कि किताब को खोल लें और बताएं कि समर कहाँ पे है। अब बच्चे सोचेंगे, किताब में तो कहीं भी समर नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर तो कुछ फलों की तस्वीरें हैं। तो हम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और बच्चों से पूछेंगे, भाई मेरा तो पसंदीदा फ्रूट क्या है? आम। अब मुझे बताएं, आपका पसंदीदा फल कौन सा है? बच्चे भी अपने पसंदीदा फल के बारे में आपको बताएंगे। जिस तरह से बच्चे बताते जाएंगे, आप उसके नाम नोट करते जाइएगा। उसके बाद बच्चों को बताइएगा कि इन सब फलों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन जब ये फल एक ही जगह पर यसर होते हैं तो इनको समर कहते हैं। और हमने अभी समर की आवाज़ भी सीखी। बच्चे को रीडिंग करवाने से पहले दोनों स्किल्स को हम रिपीट करेंगे, जिसमें हमने लिसनिंग स्किल को रिपीट करना है, उसके बाद स्पीकिंग स्किल को रिपीट करेंगे। जैसे कि स स समर, हाय मेरी कमर। स स समर, हाय मेरी कमर। इस तरह से बच्चे की स्पीकिंग स्किल भी डेवलप हो रही है और रीडिंग स्किल भी अब हम बच्चे में डिवेलप करेंगे। जी, अब रीडिंग स्किल को हम कैसे डिवेलप कर सकते हैं? हम बोर्ड के ऊपर बे का एक खानदान लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे बे, पे, ते, टे और आगे क्या आएगा? सब बच्चे आपको बताएंगे कि आगे आने वाला है से। तो से क्या बनता है? समर। इस तरह से आप बच्चे के अंदर रीडिंग स्किल को भी डिवेलप कर सकते हैं। जी डियर टीचर्स, अब हम बच्चे को सिखाएंगे कि से लिखते कैसे हैं। जी टीचर्स, आपने बोर्ड के ऊपर एक नुक्ता लगाना है, उस नुक्ते से नीचे एक छोटा सा कर्व लाएंगे, उसके साथ ही एक सीधी लेटी हुई लाइन और उसके ऊपर दूसरा कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे? 3 नुक्ते लगाएंगे। डियर टीचर्स, आप इसको क्लास में बोर्ड के ऊपर 2 से 3 बार लिखेंगे, ताकि बच्चे इसको आपके साथ रिपीट कर सकें और बेहतर तरीके से लिखना सीख सकें। इसके साथ आप प्री राइटिंग स्किल्स की एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं और आपने ये ज़रूर करवानी है। जब आप क्लास में बच्चों को ये एक्टिविटीज़ करवा रहे होंगे तो कैसे लिख सकते हैं? हवा में भी लिख सकते हैं, कलाई पे भी लिख सकते हैं, अपने दोस्त की पुश्त पे भी लिखेंगे, टेबल पे लिखेंगे और रेत पे लिखकर बच्चे इसको बार बार रिपीट जब करेंगे तो उनको से लिखना आ जाएगा।
इसके बाद आप हमारी वर्कबुक लेंगे और वर्कबुक में डॉट्स को आपस में मिलाने की एक्टिविटी करवाएंगे, जिससे बच्चा से लिखना सीख जाएगा और उसके बाद आप उसको होमवर्क में भी वही काम देंगे। इस तरह से आप बच्चे के अंदर 4 स्किल डिवेलप कर चुके हैं और बच्चा अब से को पहचानता भी है, बोल भी सकता है और लिख भी सकता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।